कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल का जो चैप्टर नंबर हमारा 7 चल रहा था, परिवहन एवं संचार। ठीक है, इससे पहले प्रमुख 6 चैप्टर के हमने नोट्स डाल रखे हैं, आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखेगा। नोट्स यूट्यूब पर बिल्कुल आपको फ्री मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास के रूप में चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे और लाइव क्लास भी आपके यूट्यूब पर फ्री चलेगी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी लाइव पढ़ाएंगे आपको। तो अभी क्या है, जैसे नोट्स जो है मैं यानी नोट्स फटाफट आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि 3 सब्जेक्ट के मैं नोट्स करवा रहा हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री। ठीक है, तो नोट्स तैयार कर रहा हूँ। और अगर आप नोट्स हमारे से खरीदना चाहते हैं, देखो ये नोट्स आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रहे हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है 8955661301। ठीक है, नोट्स खरीदने से आपको ये फायदा, यानी नोट्स के साथ ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स के साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान के 33 जिलों के अर्धवार्षिक पेपर जो हैं पूछे गए थे 2023 के अंदर, यानी उसी अनुसार वापस तैयार किए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको तैयार किए गए हैं। बिल्कुल आप यानी कि आप नोट्स खरीदें, अगर ज्योग्राफी के आपको चाहिए तो आपको 60 रुपये लगेंगे। ठीक है, पूरे यानी PDF सहित नोट्स बुक तैयार कर रखी है हमने, क्या कर रखी है, नोट्स बुक, तो पूरे संपूर्ण चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे। चलो दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख, जैसे अपने चैप्टर का नाम है परिवहन संचार, तो इसको देखते हैं। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हो, जैसे परिवहन और संचार ये हमारे टॉपिक का नाम है, तो सबसे पहले यहाँ पर परिवहन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इन नोट्सों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको यानी कि कोई मार्केट से बुक, यानी कि जो डेस्कवर्क होती है या जो संजीव बुक होती है, उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी पूरे में से पूरे यही से मिलने वाले क्वेश्चन है। बोर्ड में 100% हमारा रिजल्ट रहता, 2023 में भी हमारा अच्छा रिजल्ट रहा और अब की बार अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, मैं साथ ही नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे क्या है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो देख सकते हैं परिवहन के प्रमुख साधन यहाँ पर बता रखे हैं, इनको अच्छे से आपको इसी तरीके से चार्ट बनाना है और नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट करना है। इसके बाद देखो स्थल परिवहन, स्थल परिवहन में देखो राज्य महामार्ग है, राज्य महामार्ग के बारे में बता रखा है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर आराम से इस तरीके से लिख सकते हो। ये प्रमुख जिला सड़कें, जिला सड़कें के बारे में बता रखा है, ग्रामीण सड़कें। ठीक है, आपको इसी तरीके से नोट्स में लिखना है, देख सकते हैं। अभी क्या है कि मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ ओनली नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ। समझाने वाली जो वीडियो है रिकॉर्डेड क्लास के रूप में अपन बोर्ड पर लेकर आएंगे। ये रेल परिवहन के बारे में बता रखा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय रेल की स्थापना कब हुई, ठीक है, और किस किस के बीच चली, कितने किलोमीटर लंबी चली, इस तरीके से। तो 1853 में ध्यान रखना मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई थी, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के कितने वर्ग हैं, तो ये प्रमुख आप देख सकते हैं 3 वर्ग है, बड़ी लाइन, मोटर लाइन और छोटी लाइन। ये देखो सीमांत सड़कें, जिसे हम सीमा सड़क संगठन कहते हैं, कब हुई इसकी स्थापना, क्या है इसका उद्देश्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं, नोट्स हैं, इनको अच्छे से आप नोटबुक के अंदर नोट करें दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। मेरे द्वारा नोट्स जो डाले गए हैं आप इनको अच्छे से नोट करते रहे, एग्जाम अगर मेरिट में आना चाहते हैं तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। ये देख सकते हैं इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट दे रखे हैं। ये कोंकण रेलवे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोंकण रेलवे की, रेलवे का निर्माण कब हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1998 में इसका निर्माण हुआ था। ये देखो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, इस तरीके से ये दे रखे हैं। देखो महाद्वीप के प्रमुख मार्ग या रेल मार्ग, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर लिखना है, आपको देख सकते हैं। ये परा महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में बता रखा है, परा महाद्वीपीय रेलवे मार्ग के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखो पार साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में यहाँ पर बता रखा है, और ये है जैसे पार कैनेडियन रेल मार्ग, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पान कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में आप क्या जानते हो। ये देख सकते हो जल परिवहन, अब क्या है जल परिवहन के बारे में बता रखा है। ठीक है, जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक ये है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। ये देखो कई बार पूछा जाता है कि जल परिवहन, ये परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, जल परिवहन सस्ता परिवहन क्यों है, क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है, तो जल परिवहन की ऊर्जा लागत ही अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए। तो इस प्रकार से पॉइंट बाई पॉइंट दे रखे हैं, आपको इसी तरीके से लिखना है। देखो ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग में आपको इस तरीके से पॉइंट बाई पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, ये देख सकते हो ये भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो हमारा जैसे
उत्तमांश उत्तमांश अंतरिप समुद्री मार्ग के बारे में बता रखा है, उत्तमांश अंतरिक्ष समुद्र मार्ग। और यह नौ परिवहन नहर, इसके अलावा स्वेज नहर इम्पोर्टेंट है, एक पनामा नहर इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। स्वेज नहर के बारे में देखो, ये पनामा नहर है, स्वेज नहर और पनामा नहर से रिलेटेड एग्जाम में पर्सन पूछे जाते हैं, इनको तो अच्छे से याद कर लेना आप। ये वोल्गा जलमार्ग भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, अच्छे से नोट करना है सभी को, ठीक है। और ये वायु परिवहन का क्या है, तीव्रतम साधन है, परंतु ये अत्यंत महंगा भी है, ठीक है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री से वरीयता देते हैं। ये पाइपलाइन भी इम्पोर्टेंट है, पाइपलाइन के बारे में आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हो संचार, यानी कौन कौन से संचार के साधन हैं, संचार के साधन भी आपको पूछे जा सकते हैं कि कोई नाम बताओ, तो ये आपको लिखने हैं। संचार कहते किसे हैं, संचार क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों या भावों का क्या करना, आदान प्रदान करना, विनिमय, ये क्या कहलाता है, संचार, ठीक है। और जिसमें हम देखते हैं उदाहरण तो आप दे सकते हैं संचार के, ये हो गए ऊपर, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न। और साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत रूप स्पेस का क्या है, एक संसार है, देख सकते हैं। और ये भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, ठीक है, ये भी याद रखना, देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। और ये पूरे संपूर्ण चैप्टर के हमने नोट्स देखे, परिवहन एवं संचार, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। और बिल्कुल अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए, नोट्स बुक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8955661301 पर मैसेज करें, ठीक है। और इसकी प्राइस है 60 रुपये, यानी पूरे ज्योग्राफी के फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही 33 जिलों के जो इम्पोर्टेंट पेपर जो अर्धवार्षिक के हुए हैं उसके साथ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे नोट्स के साथ, ठीक है, ताकि बोर्ड परीक्षा में एक भी हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, 100% रिजल्ट रहेगा, ठीक है। आप तैयारी करते रहिएगा, और बाकी मैं यूट्यूब पर फ्री अपलोड कर रहा हूँ नोट्स, तो आप यूट्यूब से भी उतार सकते हो। ओके, जय हिंद, जय भारत।